अस्सलाम वालेकुम। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर रिएक्शन देखा जाए वो है ल्यूकस टेस्ट, और ये पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ चुका है। एक तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है ना कि आपसे पूछा, डायरेक्ट पूछ लेगा व्हाट इज़ ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट क्या है, तो इस तरह भी आ सकता है। अगर इस तरह है तो बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको थोड़ा सा घुमा के पूछा ना तो वो कुछ इस तरह पूछेगा, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये क्वेश्चन आता है, हाउ वी कैन हम किस तरह कर सकते हैं, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट किस तरह फर्क कर सकते हैं बिटवीन के दरमियान में, बिटवीन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, एंड टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। ये हमारे पास अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में पूछा जा चुका है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। अच्छा, इन तीनों में डिफरेंस करना चाहते हो आप ल्यूकस टेस्ट करें, तीनों में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अब ल्यूकस टेस्ट है क्या, आपने क्या करना है, आपने वो चीज़ अल्कोहल ले लेनी है जिसका आप पहचान करना चाहते हैं, आया ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, वो अल्कोहल लें। अल्कोहल लेने के बाद आपने नेक्स्ट क्या काम करना है वो चीज़ सीखते जाइएगा। अल्कोहल ले लिया मैंने बीकर के अंदर या फ्लास्क के अंदर ले लें, अब इसके अंदर आपने ऐड करनी है जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड याद रखिएगा ये साल्ट है, सही है, जिंक क्लोराइड जो होता है ये साल्ट होता है वाइट कलर का, इस जिंक क्लोराइड को पहले इसके अंदर ऐड करना है, बाद में आपने इसके अंदर HCl सॉल्यूशन ऐड करना है, कौन सी चीज़ ऐड कर देनी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। अब तीन पॉसिबिलिटी होंगी, क्या होंगी, तीन पॉसिबिलिटी होंगी, ऑयली लेयर बनेगी इसके ऊपर, ऑयली लेयर बनेगी। अब देखें, अगर पानी के ऊपर ऑयली लेयर बनती तो वो साफ वाजू उसके ऊपर तैरती हुई नजर आएगी, सेम काम यहाँ पे होगा कि इसके ऊपर भी ऑयली लेयर बनेगी, लेकिन इनके टाइमिंग मुख्तलिफ होगी, इनका टाइम बनने का, ऑयली लेयर बनने का टाइम मुख्तलिफ होगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो ऑयली लेयर होती है वो इमीडिएटली बन जाती है, इमीडिएटली का मतलब होता है फौरन। इसके बाद सेकेंड जो पॉसिबिलिटी है कि आपकी जो ऑयली लेयर बने वो 5 से 10 मिनट के दरमियान बने, और थर्ड वाली पॉसिबिलिटी है जो ऑयली लेयर बने वो कहाँ बने, ऑन हीटिंग, आप उस चीज़ को गर्म करें, गर्म करने के बाद ऑयली लेयर बने, गर्म करने के बाद ऑयली लेयर बने, ये तीन पॉसिबिलिटी। अगर तो ऑयली लेयर जैसे आपने ये वाली चीज़ें डाली इसके अंदर फौरन बन जाती है, वो अल्कोहल होगी हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, कौन सी अल्कोहल होगी, टर्शरी अल्कोहल। अगर ऑयली लेयर बनती है 5 से 10 मिनट के दरमियान में तो वो होगी हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर गर्म करने पर बनती है ऑयली लेयर तो वो हमारे पास होगी प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। अब इसके बारे में हमें यहाँ पे लिखना है, तीन पॉइंट्स बनाएंगे, तीन पॉइंट में एक में प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बताएंगे, सेकेंडरी और टर्शरी, और लास्ट में जी एक रिएक्शन है, रिएक्शन का सिंपल मैकेनिज्म याद रखिए, और सारे के सारे रिएक्शन भी खुद ही लिख लेंगे। तो ये सबसे स्टार्टिंग कुछ इस तरह करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफ्रेंशिएटेड बाय प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स हैं कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनके अंदर फर्क कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटेड बाय किसके जरिए से फर्क कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएटेड बाय ल्यूकस टेस्ट, ल्यूकस टेस्ट के जरिए से फर्क कर सकते हैं। अब ल्यूकस टेस्ट के जो रिएजेंट हैं, इनके रिएजेंट का नाम याद रखिएगा, रिएजेंट यानी कि जो चीज़ें आपने यूज़ करनी होती हैं ल्यूकस टेस्ट में, वो रिएजेंट कौन कौन से हैं, दो हमारे पास रिएजेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ें, एक तो हमारे पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक है हमारे पास जिंक क्लोराइड, जिंक
क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट यहाँ पे काम करेगा। ये दो रिएजेंट है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है रिएक्शन। रिएक्शन किसके सबसे पहले हार्डिंग देंगे? प्राइमरी अल्कोहल के, प्राइमरी बाद में सेकेंडरी और लास्ट में टर्शरी। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा कि प्राइमरी अल्कोहल ऑयली लेयर बना लेती हैं। कब? ऑन हीटिंग। प्राइमरी लेयर फॉर्म ऑयली लेयर, प्राइमरी अल्कोहल, जो प्राइमरी अल्कोहल्स होती हैं ये क्या करती हैं? फॉर्म बना लेती हैं, फॉर्म ऑयली लेयर ऑन हीटिंग। ये हीटिंग पर ऑयली लेयर बनाती हैं जब, कब? व्हेन दे रिएक्ट विद, व्हेन दे रिएक्ट, जब ये रिएक्ट कर रही होती है किस चीज के साथ? विद HCl एंड जिंक क्लोराइड, ZnCl2। अब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन को देख लीजिए। एक रिएक्शन याद करेंगे, बाकी दो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। जो मेन चीज है, जो मेन मकसद है, वो आपने याद रखना है कि अगर मैं अल्कोहल लेता हूँ, ये वाली CH3CH2, यहाँ पे OH लगा दें, सही है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर ऐड कर दें CL को, और यहाँ पे मैं H लिखूँगा। इसको क्यों थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके लिखा है ये पता चल जाएगा, यहाँ पे H। और ये करवाना है किसकी मौजूदगी में रिएक्शन? ये HCl की मौजूदगी में, और ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं। अब होगा क्या, ये दो चीज़ें मिलेंगी, वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे, सही है। OH और H आपस में मिलेंगे और कौन सी चीज़ बना देंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। ये हमारे पास CH3CH2Cl, और ये वाला Cl जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और साथ में हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये रिएक्शन आपने साथ लिखना होगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्या आ जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल्स। अब सेकेंडरी अल्कोहल्स में क्या काम होगा कि ऑयली लेयर बनेगी 5 से 10 मिनट के दरमियान में। क्या होता? ऑयली लेयर इज फॉर्म्ड, ऑयली लेयर इज फॉर्म्ड, लेयर इज फॉर्म्ड, ऑयली लेयर बन रही होती है विदन तकरीबन विदन 5 to 10 minutes, 5 से 10 मिनट के दरमियान में। कब? व्हेन दे रिएक्ट विद, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद, व्हेन अल्कोहल, कौन से अल्कोहल? सेकेंडरी, अगर हम प्रिसाइज लिखना चाहते हैं, अल्कोहल इज रिएक्टेड विद, रिएक्टेड विद HCl एंड जिंक क्लोराइड। जब इन चीज़ों के साथ अल्कोहल रिएक्ट कर रही होती है तो 5 से 10 मिनट के दरमियान में ऑयली लेयर बनाएगी। अब देखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें आपका जो OH उस कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है जो कि मजीद 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हो। ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल लेनी है। अल्कोहल लेके आपने क्या कराना है, इसका भी रिएक्शन करवा देना है HCl से। किसकी मौजूदगी में? जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में। होगा क्या, वही काम, वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है। ये H और OH आपस में मिलेंगे और क्लोरीन यहाँ पे आग लग जाएगा। H और OH आपस में मिलेंगे और क्लोरीन आके यहाँ पे लग जाएगा और हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये वाली होगी C, और यहाँ पे Cl और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल। अब लास्ट में हमारे पास चीज़ रह जाती है जी, टर्शरी अल्कोहल। कौन सी अल्कोहल? टर्शरी अल्कोहल। हेडिंग दे रहे हैं टर्शरी अल्कोहल्स। अब टर्शरी अल्कोहल्स में क्या काम होता है कि आपकी ऑयली लेयर बनती है कब? इमीडिएटली। ऑयली लेयर इज फॉर्म्ड इमीडिएटली, ऑयली लेयर इज फॉर्म, ऑयली लेयर बन रही होती है इमीडिएटली, इमीडिएटली। कब? व्हेन दे रिएक्ट विद, व्हेन टर्शरी अल्कोहल, जब टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट कर रही होती है, अल्कोहल रिएक्ट विद, जब टर्शरी अल्कोहल रिएक्ट कर रही होगी, रिएक्ट विद किसके साथ? HCl और जिंक क्लोराइड के साथ। लास्ट में जी इसका रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखने के बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। रिएक्शन में क्या करना है, आपने CH3 टर्शरी अल्कोहल ले लेनी है, और टर्शरी अल्कोहल में आपको पता है क्या काम होता है कि आपका जो कार्बन आटम है 3 मजीद कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा और यहाँ पे OH, और इसका रिएक्शन करवा देना है HCl से। काम वही है, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाना है। वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपने इसका H,
यहाँ से ओ एच उतारना है और यहाँ से ला के सी एल को इसके साथ लगा देना है और हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी। यहाँ पे सी एल लग जाएगा और हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो मेन बात है लिक्विड टेस्ट में वो ये है कि आपके पास तीन अल्कोहल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऑयली लेयर बनेगी। ऑयली लेयर में क्या होगा जी, एक में प्राइमरी अल्कोहल में हीटिंग पे बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल में 5 से 10 मिनट के दरमियान में बनेगी और टर्शियरी अल्कोहल में इमीडिएट जैसे ही आप ये चीज़ें डालते हैं फ़ौरन ऑयली लेयर बन जाती है। ये था हमारे पास लिक्विड टेस्ट, यही आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।